हरिद्वार कुंभ के बाद जगह जगह कोरोना विस्फोट शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में कुंभ से लौटे 83 श्रद्धालुओं में से 60 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 22 के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये पूरा मामला विदिशा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्यारसपुर का है। प्रदेश में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू नहीं हो पाएगा। वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन नहीं मिल पाने की वजह से यह अभियान 1 मई से शुरू नहीं किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना योद्धा योजना फिर शुरू कर दी है। जो स्वास्थ्यकर्मी दिवंगत हो जाएंगे उनके परिवार की देखरेख शासन की जिम्मेदारी होगी। उनके परिवारों को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। इंदौर में सुपर स्पेशलिटी MYHMRTB MTH और चाचा नेहरू अस्पताल की मर्चुरी से मुक्तिधाम और कब्रिस्तान तक शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस के रेट तय किए हैं। उसके बाद भी एम्बुलेंस के गैंगबाज 2 से 2500 रुपए तक वसूल रहे हैं। प्रदेश भर में कलेक्टरों के निर्देश पर कोविड ड्यूटी में जुटे करीब 4500 शिक्षकों में से बीते 2 महीने में 726 की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है, जबकि 2845 शिक्षक संक्रमित हैं।